I welcome back to online classes of Secretary School. Myself, B.S. Kuswara, the physics class 11th. Second chapter का units and measurement, जिसमें हम लोग इससे पहले कुछ units के बारे में पढ़ा था, fundamental line वगैरह सारी चीजें discuss किया था. उसके बाद हमने डायमेंशन पढ़ाया था आप लोगों को. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है उसको निकालने के कुछ रूल्स होते हैं. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में इसके रूल है. देखिए सेवन रूल है, उसको और भी याद होते हैं. बेसिकली हम लोग का इससे काम चल जाएगा. वही हम मेन मेन जो रूल्स है वो डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले रूल है आपका पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सब के सब किस में काउंट होते हैं, सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं. जैसे आपका देखिए मैं एग्जाम्पल बताया 13.25 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, फोर सिग्निफिकेंट है. कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, फोर. आर जीरो डिजिट जितने भी होंगे सब के सब काउंट कर लीजिए, इसमें सिग्निफिकेंट. दूसरा, आर जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जितने भी जीरो हो अगर वो दो नॉन जीरो के बीच में है तो सबको हम काउंट कर देंगे, इसमें सिग्निफिकेंट है. जैसे यहां पर देखिए 100.06 है, तो ये टोटल सिग्निफिकेंट कितना हो गया यहां पे 5. क्लियर? यानी पहला बताया कि जितने भी नॉन जीरो होंगे सब सिग्निफिकेंट. दूसरा बता दिया कि जीरो भी है नॉन जीरो के बीच में तब भी वो सब सिग्निफिकेंट. तीसरा रूल, आर जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अंडर टू डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट. मानी चाहे जितने भी जीरो लगाए गए हो नंबर के पीछे, अगर वहां डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा. इस समय इसके पास कितने सिग्निफिकेंट, मात्र दो सिग्निफिकेंट. समझ में आ गई बात, यहां कितने सिग्निफिकेंट, दो. अगर यहां पे कोई यूनिट का जिक्र कर दिया जाए, जैसे कि दिया जाए 8600 मीटर, तो सबके सब सिग्निफिकेंट में काउंट होता है. इस चीज का ध्यान रखिए. रूल नंबर दो, आर जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट. वही के यूनिट लिख दिया जाए, डेसिमल लगा दिया जाए, तो सब के सब किसमें काउंट हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे. यहां पर देखिए वही था तो काउंट नहीं किया गया, यूनिट लगा दिया गया काउंट हो गया, डेसिमल लगा दिया तो भी काउंट हो गया. याद रखिएगा रूल नंबर फिफ्थ, आर जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट. डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरो लगा दिए जाए सब के सब सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे. यहां पर डेसिमल है इसलिए आर जीरो है, तो सिग्निफिकेंट में काउंट. कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, फोर. रूल नंबर सिक्स, आर जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. यहां पर जीरो है डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट में, ये सब सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा. राइट हो लेफ्ट हो डेसिमल पॉइंट के उसके बाद नंबर हो ये काउंट नहीं होगा. इसमें कितने सिग्निफिकेंट, थ्री है. रूल नंबर से, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट.
सिग्निफिकेंट फिगर सिस्टम आप यूनिट पे डिपेंड नहीं करता, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में चेंज कर दिए, तब भी देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, दोनों का 3 ही आएगा। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट, अब राउंड ऑफ करने का हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। राउंड ऑफ करने का, राउंड ऑफ करने का रूल क्या है, ये लोअर क्लासेस में भी आप लोग पढ़े हैं। राउंड ऑफ का रूल, फर्स्ट रूल क्या है, मैं ओरली आपको बता दे रहा हूं, समझ कर दे रहा हूं। राउंड ऑफ करने का रूल क्या है, इसमें 5 रूल्स मिलेंगे आपको। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, इफ डिजिट ग्राफ स्मॉलर देन 5, जो डिजिट हो स्मॉलर देन 5 से ड्रॉ किया गया हो, अगर इसको राउंड अप करना है तो आप लिखेंगे 25632। 5 से छोटा नंबर हो, यहां पर कितना नंबर है, 1 है, तो इसको अगर राउंड अप करेंगे रिप्लेस को तो 2 लिखा है, क्लियर। अगर इसको राउंड अप करेंगे तो भी यहां 3 ही बनेगा, यानी 2563 अगर इसको राउंड अप कर देंगे, समझ में आ रही बात। अगर इसको राउंड अप करना होगा तब भी वही बात आएगा, पता है क्यों, क्योंकि सब देख रहे हैं कि लेस देन 5 से ड्रॉप हो रहा है। अब आप बात करिए इसको राउंड अप करने की, जब इसको राउंड अप करेंगे तो आपको लिखना होगा 26, क्योंकि ये जो 5 है अब इसे एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी अगर जो नंबर ड्रॉप हो रहा हो इस तरीके से, तो ये 5 से बड़ा नंबर होगा, निश्चित रूप से यहां पर एक क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसको राउंड अप करेंगे तो ये हो जाएगा, एक इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये तो दो रूल्स है, 5 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो। छोटा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा होगा वैसा ही राइट करेंगे, अगर बड़ा होगा तो ग्रेटर होगा तो हम उसको प्रीसीडिंग डिजिट को 1 इंक्रीज। अब बात आती है 5 में, देखिए दो रूल्स बनेंगे, इवन और ऑड। वैसे लिखा रहेगा अगर 5 को बार ड्रॉ किया रहेगा, 5 से उससे पहले 0 नहीं है तो एक हम बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं नंबर की, जैसे 5 जैसे आप देखिए 2 5 6 7 इस तरीके से, हमें इसका राउंड अप करना है, हम देख रहे हैं यहां 5 है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से बड़ा होता तो बढ़ा देते, छोटा होता तो ऐसे छोड़ देते, लेकिन यहां 5 है तो सिर्फ पहले वाले नंबर को देखिए, और ये नंबर आपका ऑड है, कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, निश्चित रूप से 1 इंक्रीज कर, ऑड नंबर होगा तो इंक्रीज कर दिया जाएगा, और इवन नंबर होगा तो जैसा होगा वैसा ही राइट करेंगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इवन नंबर हो जैसे 0, यहां पर 5 से ना छो ग्रेटर है ना कोई स्मॉलर है, 5 है तो इसके प्रीसीडिंग डिजिट को देखिए, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर, इवन है तो इसको जैसे है वैसे राइट कर दीजिए। ये तो राउंड अप के 5 रूल्स हैं, इसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, आपका सिग्निफिकेंट फिगर इन सम आर डिफरेंट ऑफ टू नंबर, सिग्निफिकेंट सम आर डिफरेंस में कैसे निकालते हैं, ये ध्यान से सुनिए। आप जो नंबर हो उसे सम करना हो या डिफरेंस करना हो तो जैसे भी आप ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं उसे आप
आप उसी तरीके से उसी रूल से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाद में जो हम सिग्निफिकेंट बताएंगे उसमें मिनिमम नंबर आप सिग्निफिकेंट बताएंगे, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जिसका नंबर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर का, यानी एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, सेम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। एडिशन में देखिए ध्यान से सुनिए, मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं। जैसे आपको सबको ऐड करें, ऐड करेंगे तो 5, 6, 7, 4, 6, 7, 2, 9, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 1। ये कह रहा है कि ऐड जैसे करना था मैंने वैसे ही किया, लेकिन फाइनल रिजल्ट इसमें जितने मिनिमम प्लेस का डेसिमल है वहां तक हमें बताना है आंसर, तो हमें इन सबको राउंड अप करना पड़ेगा, यहां तक हमें आंसर लिखना है। निश्चित रूप से ये प्लेस 4 है, इसे राउंड अप करेंगे ये आएगा जो हमारा आंसर होगा वो 31.9। उतनी प्लेस तक लिखेंगे जो इसके मिनिमम नंबर है डेसिमल का। क्लियर? एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे भी आप करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन फाइनल जो आंसर लिखेंगे उसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। जैसे आपको 2.12 इसमें इंटू करना है 1.3 का, ठीक, तो इंटू करिए 3 + 6 = 3, 3 + 6 = 2, 1 + 1 = 6, 5, 7। डेसिमल कितने प्लेस पर लगेगा? 3 प्लेस। और हमने बताया कि इसमें इसका रूल है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इसमें कितने, 2, तो जो आप आंसर लिखेंगे वो यही लिखना है, तो इसको राउंड अप करना है। तो ये 5 है तो इसके पहले 8 नंबर है, तो 8 नंबर में 1 इंक्रीज कर दिया जाता है तो आंसर होगा 2.8। ये राउंड अप का रूल है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सिग्निफिकेंट क्या है, राउंड अप क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, एरर क्या है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है और प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है। जो डेसिमल के मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट तक लिखा जाता है मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू होती है। जैसे हमने 2.56 लिखा, 2.5 लिखा, 2.561 लिखा, तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू जो होगा वो यही होगा 2.561। तो डेसिमल के मैक्सिमम प्लेसेस तक वैल्यू जो होती है वो मोर एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू होती है, ठीक। इसका बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन भी होता है। एरर इन मेजरमेंट, एरर क्या होता है ध्यान से सुनिए, एरर, एरर मींस मिस्टेक, गलती। एरर क्या होता है, एरर जो होता है वो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये एरर होता है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो हम कैलकुलेट करते हैं
वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, आपको पता है कि 9.8 लगभग होता है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 9.7 निकाल लेते हैं, 9.79 निकाल लेते हैं, इस तरीके से। तो ये सब कैसी वैल्यू हुई, लैब में जो निकालेंगे मेजर वैल्यू हो गई, दोनों में जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। एरर जो होता है मिस्टेक, दोनों में जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, एरर। अब आइए हम बताते हैं एरर कितने टाइप्स का, एरर कई टाइप्स होते हैं, ठीक। पहला वैसे क्या होता है, कांस्टेंट एरर। पहला कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर क्या होगा भाई, हम एरर निकाल रहे हो बार बार जो निकाल रहे वैल्यू सेम हो, जैसे लाइफ में हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो 9. हमने जी की वैल्यू बार बार निकाला 9.7, कितना निकाल रहे हैं हम 9.7, तो इन सब में कैसा है बार बार वही आ रहा है, तो ऐसा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट एरर, डिफरेंस हमेशा सेम होगा, ठीक, हमेशा सेम होगा। दूसरा आता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर में एरर आइदर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा सिस्टम के कारण, जैसे हम यहां पर निकालेंगे ट्रू वैल्यू माइनस मिरर एरर, तो हमेशा ट्रू वैल्यू ज्यादा है मिरर एरर कम है, तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, एरर क्या हुआ सिस्टमैटिक हुआ, वो चाहे पॉजिटिव में मिलेगा या फिर नेगेटिव में मिलेगा, ठीक। इंटरेस्ट सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंट सिस्टमैटिक एरर कई पार्ट में आता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट का एरर, हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ी है जिसके द्वारा हम मेजरमेंट कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। इम्परफेक्शन टेक्निक, हमारा कैलकुलेट निकालने का तरीका गलत है। पर्सनल एरर, हमारे द्वारा कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन या मिरर करने में प्रॉब्लम है, वो उसमें मिस्टेक हो सकता है। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम के द्वारा निकाल रहे हैं टाइम पीरियड, तो वहां से कोई अनवांटेड इफेक्ट कोई स्टूडेंट ने डिस्टर्ब कर दिया या हवा का दबाव बन गया, तो इसकी वजह से ये सब एरर उसमें होते रहते हैं। तीसरा आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव भी मिलेगा या नेगेटिव भी मिलेगा, दो हमने तीन वैल्यू तीन चार पांच कैलकुलेट किया, एक पॉजिटिव दे दिया दूसरा नेगेटिव दे दिया, तो ये सब एरर क्या कहलाते हैं, रैंडम एरर का, पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा। लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर क्या है भाई, पहले तो लीस्ट काउंट के बारे में जानिए, लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम मेजरमेंट बाय द इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम मेजर करते हैं वो उसकी सबसे मिनिमम जो मेजरमेंट होती है वो कहलाती है उसकी लीस्ट काउंट। जैसे घड़ी है, घड़ी का लीस्ट काउंट क्या है, 1 सेकेंड है, क्योंकि हम उससे 1 सेकेंड का ही मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्केल ले लिया उसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर तक से बने हुए हैं, ठीक। तो जैसे हमने ऐसा स्केल ले लिया उसमें सिर्फ सेंटीमीटर का सिंबल बना है, हमें मिलीमीटर निकालना है तो कैसे कैलकुलेट होगा, नहीं हो सकता। तो रफ आइडिया के अकॉर्डिंग हम लोग आदर करने चाहिए, हाँ ऐसे ऐसे है, ये हमने बता दिया वैल्यू इतना है, तो ये सब कैसा इधर है लीस्ट काउंट, क्योंकि हमें तो मेजरमेंट उसके द्वारा हो ही नहीं सकता, लेकिन हम लोग आइडिया के तरीके से बता देते हैं कैसा इधर लीस्ट काउंट। ग्रॉस एरर आर मिस्टेक, मिस्टेक भी होता है, तो ये सब एरर हैं, ग्रॉस एरर कुछ होते हैं उसके द्वारा तो कभी करेक्ट ही नहीं हो पाएगा, इस तरीके का एरर है, इसे आप ध्यान से पढ़िए। बस इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।